नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा 24 मीडिया में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप प्रजापति। आज हम पहुंचे अहरगांव में। अहरगांव में इसलिए पहुंचे यहां के खिलाड़ी रामपाल पहलवान जी बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं सर्कल कबड्डी के अंदर, जिन्होंने खेल के अंदर बहुत सारी टीमों से लोहा मनवा चुके हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेले हैं और हरियाणा का नाम रोशन किया है, मेरे भारत देश का नाम रोशन किया है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले और इंडिया को जीत दिलाई है। उन्हीं के गांव में पहुंचे हैं उनके विचार जानने के लिए कि उन्होंने खेल के समय में किन चुनौतियों का सामना किया है और किन परिस्थितियों से निकलकर वो आज वे खेल की इस दुनिया में अपना नाम कर चुके हैं, और आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे। जो युवा है वे आज खेल से क्यों दूर होते जा रहे, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी, उन सब पर चर्चा करेंगे आज इस गांव के एक बेहतरीन खिलाड़ी रामपाल पहलवान जी के साथ। और उनके घर पर पहुँचे, आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर का जो मकान है उनका घर है, और उनके घर के अंदर जाकर उनसे बात करेंगे। तो सभी साथियों से, सभी दर्शकों से निवेदन, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अभी चलते हैं उनके घर के अंदर और उनसे बात करेंगे, हर एक प्रश्न है जो वो रखेंगे। तो हमारे साथ रामपाल पहलवान जी जो अहर गांव से है, हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले तो सर आपका स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, राम राम आपका। मैं स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा दोनों चैनलों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जो इतनी अच्छी मुहिम छेड़ रहे हैं, पुराने और नए प्लेयरों का इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि जनरेशन में भगवान रूपी जनता में उनको भी याद किया जाता रहे टाइम टाइम पर। ये आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर मैं सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत भी करता हूँ। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस गेम के अंदर, कबड्डी के अंदर कैसे शुरुआत करी और कब शुरुआत करी? भाई साहब, मैं दूसरी क्लास में था, मैं बिल्कुल छोटा सा था, मेरे चाचा जी हैं राजे राम, मैं उनके साथ रेस मारने चला जाता था। मैं स्टेट लेवल का कुश्तिया खिलाड़ी भी हुआ हूँ, उसके बाद मैं नेशनल खेलने लग गया आठवीं क्लास में। तो बस कुछ राजनीतिक कारणों से ला लो, चाहे कुछ भी ला लो, मेरा स्टेट में जब जावा थी टीम, अपने स्टेट में पानीपत की टीम जावा थी, मेरे को पानीपत डी ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया था। सच्चाई बात है, उन्होंने बोले हम अपने बालक लेके जाएंगे, अपना ना ले दे। फिर उस दिन तो मैंने नेशनल कबड्डी छोड़ दी। तो उसके बाद में फिर मेरे गुरुजी हैं अपने जो सर्कल कबड्डी के, जसवंत जी, स्वर्गीय जसवंत जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे को सर्कल कबड्डी खेलना सिखा दिया। तो उस दिन के बाद मैंने सर्कल कबड्डी खेलना सीख लिया था। तो जी, सर्कल कबड्डी आपने अपने गाँव से शुरुआत की थी या किसी और गाँव में जाके खेलते थे? नहीं, गाँव में से शुरुआत की थी भाई साहब, मेरे गुरुजी राजे राम और अपने रोशन लाल पहलवान जी, कुश्ती के इधर जसवंत सिंह, तीनों का बड़ा योगदान है जिन्होंने मेरे को, और स्वर्गीय बाले राम, इन चार आदमियों ने मेरे को, और टाइम मेहनत, मेरे से छोटा भाई अनिल भी अंतर्राष्ट्रीय है, उनको भी मैं साथ साथ में, हम दोनों को बहुत ही मेहनत कराई उन्होंने, और अच्छी तरह से खिलाते खिलाते इस मुकाम तक पहुँचे। 2005 में मैं इंडिया के लिए खेल लिया था फर्स्ट टाइम, सन 2000 में मैंने शुरुआत की थी। तो सर देखो, सभी दर्शक भी यही चाहते हैं कि हम भी उस ग्राउंड को देखें एक बार जहाँ आप प्रैक्टिस करते, जहाँ आप खेलते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें भी उस ग्राउंड पे लेके जाए, ताकि हम भी उन ग्राउंड को देख सके और लोगों को दिखा सके भाई यही वो ग्राउंड है, यही वो मिट्टी है जहाँ से एक हीरा निकला था, जो देश के लिए मेडल ले गया, अपने हरियाणा के लिए मेडल ले गया, देश का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया। तो प्लीज़ सर आप हमारे साथ चलिए वहीं। भाई साहब, आपने ये बात बोल दी, बहुत अच्छा किया। बोलना तो मैं विचार रहा था, क्योंकि ग्राउंड का टाइम हो रहा है, ग्राउंड का टाइम पर अच्छा है, खिलाड़ी कोई हो उसका जुनून सो जाने का। चलो वहीं चलते हैं, ग्राउंड पर जाके बात करते हैं। ठीक है सर, चलते हैं। आप देख सकते हो अभी हम अहरगांव के जो ग्राउंड है वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां से एक हरियाणा का हीरा और जो देश का हीरा निकल के आए थे रामपाल पहलवान जी, तो उनके ग्राउंड पर पहुंचे। इसी ग्राउंड से सर आपने शुरुआत करी थी खेल की? हाँ जी भाई साहब, इसी ग्राउंड से शुरुआत की थी मैंने 99 में 2000 में कबड्डी की। तो आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका माना जाता है जी? देखो भाई साहब, कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो अपने घर का होता है, जिसमें मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री मेवा सिंह, मेरी माताजी व मेरे बड़े भाई सतबीर का, और बाद में तो वाइफ एंड सारा परिवार हो गया भी। हाँ, बाद में तो पूरे परिवार का हो गया, माता पिता और भाई का सबसे बड़ा योगदान है भाई साहब। ये ग्राउंड अहरगांव का ग्राउंड है, थोड़ा सा चल लेते हैं सर, चलते चलते बात करेंगे हल्का सा। तो अहरगांव का जो ग्राउंड है, यहाँ पर कितने प्रकार के और खेल खेले जाते हैं जी? भाई साहब, यहाँ पर हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सर्कल कबड्डी, नेशनल कबड्डी और जूडो,
ये चार पांच ग्राउंड पे रेस के भी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी प्लेयर वाली भी खेलते हैं, आठ नौ डाल के गेम करे जाते हैं। तो टोटल हर गांव के अंदर कितने खिलाड़ी है और बाहर से कितने खिलाड़ी आते हैं? भाई साहब मैं इस ग्राउंड की हाजिरी बता सकता हूँ आपको, 300 से 350 प्लेयरों के बीच की हाजिरी है। अब तो कोरोना के कारण कुछ तो बच्चे आजकल बाहर बुर गए हैं, बाकी इस ग्राउंड पे करीब करीब 90 करीब लड़कियां और बाहर हैं 80 करीब बास्केटबॉल के बच्चे हैं, बाकी अंदर हैं कबड्डी के हैं, ये जुडो के हैं, सर्कल कबड्डी के हैं, नेशनल कबड्डी के हैं, मतलब 300 साढ़े 300 बच्चों की जगह है। और इनका सभी की देख रेख हम करते हैं, इसमें कुछ आप बड़े भाई हैं जो मदद करते हैं, निःशुल्क चलाते हैं इन बच्चों के, हर टाइम मदद करते हैं, जिसमें हमारी हैंडबॉल की भी लड़कियाँ दो तीन तो नेशनल खेल के आ गई हैं, दो तीन अपना नेशनल कैंप लगा है, उसमें अपने राजेश भाई टूर्ण साहब हैं, उनने भी बढ़िया हमारी मदद की है, अपने धर्मजीत भाई साहब हैं हैंडबॉल के कोच साहब है, उनने मदद की है, और अपने मतलब बच्चों ने बढ़िया मेहनत की है, और साथ में हमारे जो अधिकारी गण उन्होंने भी बढ़िया मदद की है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। और बास्केटबॉल के भी कम से कम ज़्यादा तो नहीं कह सकता, हमारे 40 से 50 बालक नेशनल जरूर खेल लिए होंगे, और इतने ही नौकरी होंगे 50 60 70 बालक। तो इस ग्राउंड से आप सरकारी नौकरियां भी है सर, मुझे कहीं से सुनने में आया था सर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब पे हो, आप किस गवर्नमेंट जॉब पे हो? भाई साहब मैं 2010 में एक इंडिया पाकिस्तान सीरीज हुई थी, शायद आपको पता होता है, एक पानीपत के अंदर डार गाँव में मैच हुआ था, उस सीरीज में मैं इंडिया टीम का हिस्सा था और उस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज था मैं, और उसके बाद में मेरे को हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती कर दिया गया था। बाकी चलो मैं कहूँगा तो नहीं, चलो फिर मेरे कहने को अंग्रेज भी नहीं, झूठ नहीं बोलता, सब इंस्पेक्टर ही घोषणा होते हुए मेरे को सिपाही पद पर लगा गया था उसमें जी। तो फिर उसके बाद मैं 7 साल करीब मधुबन रहा CSO के अंदर, अब मैं फिलहाल पानीपत विजिलेंस, मेरा थाना करनाल है, पानीपत विजिलेंस में पोस्टेड हूँ जी। जी हाँ जी। तो और भी कोई यहाँ से खिलाड़ी है जो कि पुलिस में है या फिर किसी और फील्ड में हो? हाँ जी हाँ जी, एक मेरे से छोटा भाई अनिल है, वो भी इंटरनेशनल है, वो भी हरियाणा पुलिस में है, अपना प्रवीण भाई है जो इसी ग्राउंड से है, वो पंचायत सेक्रेटरी है, अमित भाई है छोटा जूनियर प्लेयर है अपने, वो भी पंचायत सेक्रेटरी है, ये अपना विक्की है वो भी बेलदार की पोस्ट पर लगा था खेल कोटे से, सिल्लू है वो भी खेल कोटे से, मतलब बहुत है बालक हैं भाई साहब जिनके नाम भी गिनाते हैं बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा रहता है हर एक खिलाड़ी के साथ, एजुकेशन और खेल में क्या चीज़ें मायने रखती है कि ना बंदे को पहले एजुकेशन करनी चाहिए या खेल करना चाहिए? देखिए भाई साहब मैं तो एक बात कहना चाहूँ, अगर एजुकेशन भी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन ना होगी तो क्या करेगा बंदा? देखो मैं ज़्यादा तो पढ़ा नहीं, मैं भी प्लस टू तक तो मैं भी पढ़ा हूँ, और जो बालक एजुकेशन में बढ़िया है तो उसने एजुकेशन में रखो, बाकी खेल और एजुकेशन दोनों ही समान मान के चलो, अगर अच्छा खिलाड़ी होगा तो कामयाबी यहाँ भी है और अच्छा पढ़ने वाला होगा तो कामयाबी वहाँ भी है। तो सर एक प्रश्न हो रहा है आपके साथ, आज के समय में आप युवा को देखते हो खेल के माध्यम, खेल के अंदर भी कि ना लोग नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये कितना उचित है, कितना गलत है, कितना ठीक है? भाई साहब ये सारा ही गलत है, मैं 4-5 साल से कबड्डी से दूर हूँ और मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, मैं रात में टीवी भी मैच देखता हूँ और भी गेम देखता हूँ, इतना बुरा इस टाइम मेडिसिन का हो रहा है, और कबड्डी ही नहीं हर गेम में हो रहा है, या कहने का तो नुकद है सर्कल कबड्डी वाले टिक्के लाम हैं, टिक्के हर कोई ला रहा है आजकल, वो और बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो इन छोटे भाई जो मेरे तो जूनियर हैं, एक ही प्रार्थना करूँगा, अगर मेहनत करो और देसी डाइट खाओ ताकि मेडिसिन वाले की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है भाई साहब, इससे फल तो क्या कहूँगा मैं। सर इंडिया टीम तक का सफ़र आपने कैसे तय किया और किस किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? भाई साहब सबसे पहले मैं इंडिया टीम में 2005 में खेल रहा था, उस टाइम में अपने कोच साहब संत श्री सतवीर शर्मा जी मेरे को खिला के लाए थे इंडिया टीम में, मगर मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ आया है जो 2009 और 2010 में मेरे गुरु जी और मेरे बड़े भाई भगवान रूपी जिसको मैं भगवान मानता हूँ अपनी ज़िंदगी का, उनसे बड़ा आज तक शायद ही नेक इंसान मैंने भी कोई ना कोई बात का मतलब है, मगर उन मतलब से काम कर सूँ ना किसी बात का मतलब नहीं है, अगर कोई मतलब से काम करते हो। श्री संतराम आर्य जी जो आर्य वीर कबड्डी अकेडमी सोनीपत चलाते हैं, उन्होंने मेरा 2010 की सीरीज के लिए ट्रायल दो, उनका 3 महीने पहले फोन आया, अगर हम पल के कर रहा भाई मैं बोला गुरु जी घर आए था, भला भाई
अपना इंडिया पाकिस्तान सीरीज कराने लग रहे हैं उड्डा साहब और थोड़ी तैयारी कर लिया अपनी। मैं बोला ठीक है गुरु जी, तो मैंने खूब मेहनत करी, तो उसके बाद ट्रायल होगी तो आपने पता भाई साहब राजनीति भी खेलना बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ट्रायल होगी तो जिस टाइम इंडिया टीम की लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था, यह भी सच्चाई है। और यह भी सच्चाई है कि जो ट्रायल दी थी ना उस ट्रायल में मैं और एक विक्रम पहलवान अपना बुक पर हमने दो आदमी ने कैच मारी थी, मगर कुछ भी ज़्यादा चलो कहने ना कोई मंडर भी नहीं किए हुए। जो मेरे से पैसे मांग गए थे भाई, अब पैसे दे दे इंडिया टीम में सिलेक्शन करवा देंगे, मैं बोला मैं पैसे दे कदे भी सिलेक्शन ना करवा रहा। तो संतराम कोच साहब था जिस टाइम लिस्ट आई, मैंने मेरा नाम ना पा था, मना कोच साहब था कहा मैं कोच साहब मजाक के करवाना था तो आगे क्यों वो करवा था। कोच साहब बोला छोटे भाई तेरा नाम कट गया तो धरती पलट दूंगा, यह बात कही थी उन्हें। तो इसे बात उनका मैं ऋणी हूँ कोच साहब का, अब उन्हें यह बात कही थी, आज भी मेरे घर के सदस्य हैं। तो भाई साहब कोई मैं सोच के घर था छोड़ यार के खेलना है कबड्डी कबड्डी, जब इतनी मेहनत कर दो ये और हमारा टाइम में सिलेक्शन होया। तो उसमें तो घंटे के पाछा मेरे पास फोन आएगा दिल्ली से, अगर आपका इंडिया टीम में सिलेक्शन कोई गलत फहमी के कारण कट गया था। नो मैं बोला भाई क्यों मजाक कर रहे हो, कल ना फिर मजाक होगा था। फिर कोच साहब का फोन आज ही मेरा तसल्ली सी हुई, अग भाई गुरुजी ने कह दिया तो पक्का सिलेक्शन है। तो जब सिलेक्शन हुआ था मेरा फिर मैं भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था, कुछ सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज रहा था भाई साहब जी जी। 27 कैच मारी थी मैंने 5 मैच में, और गुरु जी ने भी यही उम्मीद थी कि भाई जिस लड़के का मैं सिलेक्शन करवा रहा हूँ तो वो बच्चा कामयाब होना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी का सबसे लक्की और सबसे ईमानदार उस आदमी को मानता हूँ आज भी, उनको दिल से मैं अपना उनके चरणों में आज भी प्रणाम करता हूँ। से और भी कोई खिलाड़ी है, वे किस खेल में थे और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की है? भाई साहब मेरे से छोटा भाई अनिल है, वो भी सर्कल कबड्डी का ही प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर है। तो उनसे तो आपने हमें मिलाया नहीं, हम भी उनसे मिलना चाहते ताकि हमारे दर्शक जान सके कि इस गांव के अंदर एक नहीं अनेकों खिलाड़ी रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भी आप हम अनिल भाई साहब से मिलना चाहते हैं। अनिल भाई भाई साहब इधर बैठे हैं शायद, वो वहाँ पर ये आने लग रहा है। अच्छा ये आने लग रहे हैं जो जी, ठीक है सर ठीक है। तो आप जितने भी दर्शक आप जुड़े रहे हम अनिल भाई साहब से भी बात करेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और उनसे भी जानेंगे कि आज के युग में खिलाड़ियों के लिए खेल कितना ज़रूरी है। एक परिवार से दो दो इंटरनेशनल खिलाड़ी कैसा लगता है आपको? मतलब आप बाहर जाते हो जब आपसे पूछते हैं भाई आप इंटरनेशनल खेल के आए हो, देश के लिए खेल के आए हो, अपने हरियाणा के लिए खेल के आए हो, तो आपको कैसा फील होता है? भाई सब दो नहीं चार पांच तैयार करे हमारे घर में तो इंटरनेशनल, मतलब एक परिवार से चार पाँच हम घर से दो थे, बाकी दो तीन लड़के और रहते थे विक्रम बड़ी नन्ना मैम खेड़ी और रविंद्र फरीदाबाद, तीनों चारों पाँच प्लेयर हम एक ही घर में रहते थे। तो एक ही घर में थे? हाँ जी हाँ जी भाई। तो सर वे तो अभी यहाँ पे होंगे नहीं, तो हम अनिल भाई साहब से बात करेंगे। तो सर आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम पर पहुंचने के लिए? मेहनत तो भाई बहुत करनी पड़ी जी, वजह के सफलता मिला है, दर रात एक करनी पड़े हमारे भाई जब जाकर कामयाबी मिला है। तो आपको भी आपने भी इसी ग्राउंड से मेहनत की? इसी ग्राउंड ने दिया भाई जो कुछ भी दिया है। तो आप अपना आइडल किसे मानते हो, अपनी इस कामयाबी के पीछे किस का हाथ मानते हो? मेरे परिवार का हाथ है भाई, मेरे बड़ा भाई है, मेरी माता पिताजी है, वाइफ है, भाई सब हैं अपने, सब कुछ परिवार ने पूरा सहयोग दिया, गाँव का भी सहयोग रहा है जी जी। मेरे अंकल जी देख राजे राम उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो आपके गुरु किसको मानते हो आप? मेरे राजे राम अंकल जी हैं। अच्छा राजे राम जी। हाँ जी। तो आप दोनों के गुरु एक ही है सर? हाँ जी। राजे राम और जसवंत इकट्ठे ही आपने शुरुआत करी थी सर कुश्ती में? हाँ इकट्ठे कुश्ती में। तो आप इधर सामने आ जाओ सर, कैमरे के सामने ही बात करेंगे आपसे भी। तो सर आपके गाँव से लड़कियों की टीम है, मैं देख रहा हूँ ग्राउंड के पीछे भी इधर उधर लड़कियाँ घूम रही है, ये किस खेल की खिलाड़ी है? ये हैंडबॉल की है। सारी हैंडबॉल की। तो लड़कियों ने आपके गांव से सर कितनी उपलब्धि हासिल की है?
भाई साहब दो तीन लड़की तो मैंने पहले ही बताया आप तक, अगर दो तीन लड़की तो नेशनल खेल आई हैं, दो तीन नेशनल कैंप लगा के आई हैं, और उसमें आपको मैंने पहले ही बताया था अगर इसमें हमारा अपना पानीपत के जो सेक्रेटरी साहब राजेश टूण भाई साहब और अपना धर्मजीत भाई, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे बच्चों को आगे ले जाने में। बिल्कुल निष्पक्ष और नेक नीति से सिलेक्शन करते हैं, न कि कोई भेदभाव के साथ होता। पहले भी खेलते थे बच्चे मगर हो नहीं पाता था, फिर जब से इन दोनों भाइयों ने चारा संभाला जब तक बहुत बहुत हमारे बच्चों को मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है। जो बच्चा कामयाब होता है मतलब काबिल होता है उसलिए उसको बिल्कुल ही इसके लिए लायक समझा जाता है और उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर बहुत सारे सभी बच्चे ड्रेस में है, ये ड्रेस खुद परचेज करते हैं या फिर यहाँ की कमेटी की तरफ से दी जाती है? भाई साहब ना तो कमेटी है यहाँ पर कोई, ना बच्चे परचेज करते हैं। एक तो हमारे गुरुजी हैं रोशन पहलवान जी जो इस टाइम वेस्ट इंडीज के अंदर हैं, कुश्ती के इंटरनेशनल प्लेयर थे, उन्होंने हमारे को कुश्ती करवाई थी, उन्होंने तीन चार बार तो उन्होंने स्पॉन्सर किया बच्चों को। इवे दो तीन बार एक हमारे सुल्तान सिंह भाई ऑस्ट्रेलिया में बड़े भाई उन्होंने दी थी। मतलब यहाँ पर एक मेरा बड़ा मित्र है संदीप सिंह दिल्ली से, एक बार उन्होंने 300 किट दी थी बच्चों को। मतलब कोई न कोई आता रहता है जो बच्चों के लिए यहाँ पर योगदान देता है। अभी यहाँ पर चार दिन पहले एक वाटर कूलर लगवा है जी वो रहा, वो अपने दो तीन छोटे भाई हैं, एक बड़ा भाई सुरेंद्र सिंह, अमित सिंह और काला उर्फ सचिन, उन्होंने इस वाटर कूलर का उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया अख पहलवान जी ग्राउंड पर बच्चों पानी पीने पुने की सुविधा है। मैं बोला भाई है तो कैंपर कुंपर लाने पड़े हैं बाकी नलका नुलका न बोले आप क्या आदेश होते वाटर कूलर लगवा लो। मैं बोला भाई इस तो बढ़िया बात क्यों होगी, जब आप इतना दान करना चाहो तो यू करो भाई। तो उन बड़का नहीं लगवा दिया भाई नु कोई न कोई आवा है जिसा छोटा मोटा टूटा बूटा हम तो कहते हम इतने बड़े साहूकार हाँ जिसा भी छोटा मोटा हम भी कर लिया भाई साहब। तो कोरोना महामारी चली हुई है सर पूरे संसार में चली हुई है, भारत देश में भी आप देख रहे हो कि एक खिलाड़ी को कोरोना के समय में अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर रखना चाहिए? भाई साहब कोरोना में तो ये है पहली तो बात हम इन बच्चों को समझावा हाँ थोड़ा ज़्यादा इकट्ठे मत हो अलग अलग ही प्रैक्टिस करो। दूसरी बात भाई साहब अपना बचाओ में ही बचाओ इसमें तो इब ज़्यादा गुथ बनाया मत बैठो, अपना मास्क का प्रयोग करो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, ये तो आज आम ही बात है, इनका प्रयोग करते रहो और टाइम पर डाइट लो जिस अपनी क्वांटिटी ज़्यादा बनी रहो है ई भी ये तो ये बोल इसी यही सबसे अच्छा जरूरी है इसके लिए। तो आखिरी प्रश्न है सर मेरा, जो आने वाले खिलाड़ी है हमारे हरियाणा के जो यूथ है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो आने वाले खिलाड़ियों से भाई साहब एक ही आपके चैनल के माध्यम से एक ही प्रार्थना ही करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई छोटे भाई हो सर प्लीज कैमरे के सामने आपके चैनल के माध्यम से छोटे भाई व बहन जो भी हैं सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहूँ, कोई भी छोटा भाई बहन मेहनत करो, नेचुरल डाइट लो, न कि मेडिसिन का प्रयोग करो। मेडिसिन का भविष्य कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा है और इससे इतना इफेक्ट पड़ेगा आने वाली हमारी जनरेशन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए मेडिसिन बिल्कुल भी ना करो, मेहनत करो, देसी करो और जितना मेहनत करोगे यो कोई कौन है कि मैं मेडिसिन का प्लेयर बन जाऊँ, मेडिसिन का कोई प्लेयर कौन बनता, ये सिर्फ मन का बहम है। प्लेयर बनाया है अपने दिल तक, जिसका दिल मजबूत है नहीं वही प्लेयर बन जाएगा। मेडिसिन ना प्रयोग करो, मेहनत करो, देसी डाइट लो। मैं आने वाली जनरेशन से ये बात कहना चाहता हूँ भाई साहब। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ अहर गाँव के एक बेहतरीन खिलाड़ी कबड्डी जो कि सर्कल कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी रामपाल पहलवान जी। तो ऐसे ही हम खिलाड़ियों से मिलते रहेंगे और आप सभी के सामने रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को राम राम और हमारे जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मैं आप सभी भगवान रूपी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ स्पोर्ट्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि ये मुहिम जो इन्होंने छेड़ रखी ये बहुत ही आगे जाए, नए और पुराने प्लेयरों को प्रोत्साहन मिले, पुराणों को नए से सीखने का मौका मिले और नए से भी पुराणों को कुछ मौका मिले। इसलिए स्पोर्ट्स लाइव को लाइव सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।